वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान का हाथ को लेके इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेलवे, साथ ही साथ जो गैस लाइन है उसको टारगेट करने का जो कोशिश है उसको लेके। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि लास्ट कुछ महीनों से रेलवे को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोकेशन में टारगेट किया गया है। अब ये टारगेट कैसा है, कभी रेलवे जो ट्रैक है उसके ऊपर जो कंक्रीट ब्लॉक है 70 किलोस के कंक्रीट ब्लॉक जो है वो आपको रखा जाता है, जिसके वजह से चांसेस बहुत हाई है कि जो ट्रेन जब आएगा उसके ऊपर चढ़ जाएगा, जिससे वो ट्रेन डीरेल हो जाएगा, इससे जाके आगे कैजुअलिटीज होगा। ऑन द अदर साइड सिर्फ कॉन्क्रीट ब्लॉक नहीं, जो आयरन ब्लॉक होते हैं, साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर होते हैं वो भी रखा गया। अगर देखा जाए ये जो एक्टिविटी था ये ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट लोकेशन में हो रहा था, और सबसे ज़्यादा जो हो रहा था वो था आपका यूपी में। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा रेलवे को टारगेट किया गया है। विद इन 50 डेज 18 टाइम्स रेलवे को टारगेट किया है डिफरेंट लोकेशन में कि उसको डीरेल किया जाए। इसके अलावा अगर हम लोग अगस्त महीने को देखें तो अगस्त महीने में ही सिर्फ 15 बार टारगेट किया गया है रेलवे को डीरेल करने का। तो ये जो कोशिश है ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, तो क्यों अगस्त महीने को ही टारगेट करके इतना ज़्यादा किया गया। सिर्फ अगस्त महीने नहीं, अगर हम लोग सितंबर में भी देखें, सितंबर में भी ये सेम कोशिश किया गया है, मगर अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा किया गया था क्योंकि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है वो अगस्त महीने था, 15 अगस्त को। तो उससे पहले अगर कोई बड़ा रेल दुर्घटना हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैजुअलिटी होता है, तो ऑब्वियसली दुनिया के सामने एक नेगेटिव इमेज जाएगा इंडिया के लिए। और यही सोच के ये ट्राई किया गया था और अगस्त महीने में इतना ज़्यादा अटेम्प्ट किया गया था, मगर हम लोग का जो रेलवे सिक्योरिटी फोर्स है, हम लोग का जो रेलवे एम्प्लॉय है, वो लोग के वजह से ये जो प्रॉब्लम था इसको टाल दिया गया। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग डेटा देखें, यूपी में एक जगह है लाल गोपालगंज जहाँ ये सबसे ज़्यादा ट्राई किया गया था। तो पुलिस ने अपने तरफ से ये जो इंसिडेंट है इसको इन्वेस्टिगेट करने का स्टार्ट किया, और इसी बीच में पुलिस के पास एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया एक यूट्यूबर है जो अपने तरफ से रेलवे ट्रैक में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो बोल्डर है या फिर स्टोन है या फिर जो गैस सिलेंडर है वो रखते हैं और उसको वो यूट्यूब में वीडियो बना के पब्लिश करते हैं। और 16 जुलाई को आयान खान बोल के एक यूट्यूबर को उन लोगों ने अरेस्ट किया यूपी से। उनका काम ही था कि अपने तरफ से ऐसा वीडियो बनाना जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल, जैसे कि गैस सिलेंडर हो या फिर जो कॉन्क्रीट ब्लॉक हो या फिर हार्ड वुडन जो बैरियर होता है वो, ये सब वो लोग जाके रेलवे ट्रैक में रख देते हैं, और जिसके वजह से जब ट्रेन आता है तब उसका वीडियो लोग शूट करके यूट्यूब में पब्लिश कर देते हैं। तो पहले तो ये जो आयान खान है इसको अरेस्ट किया गया, मगर पुलिस ने अपने तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन ये कम्प्लीटली जारी रखा, और आगे जाके ये आयान खान का जो कज़न है जर्ज शेख वो भी सेम काम कर रहा था, तो उसको भी अरेस्ट किया गया। और इन दोनों से पूछताछ में एक और बंदे का नाम मिला जिसको आगे जाके पुलिस ने अरेस्ट किया। ये सारे जो यूट्यूबर थे ये लोग का एक ही काम था कि अपने तरफ से डिफरेंट जो ऑब्स्टेकल है वो इंडियन रेलवे के जो ट्रैक है वहाँ डालना और उसको वीडियो शूट करना जब ट्रेन आता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब काम ही ये लोग करते रहते थे, जिसके वजह से पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट किया, इन लोगों के अगेंस्ट में स्टेप लिया। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग अपने पड़ोसी को देखें तो वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट फरतुल्ला गौरी जो अभी पाकिस्तान में है, वो अपने तरफ से एक स्पीच रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इंडिया में जो स्लीपर सेल्स है वो अभी एक्टिव हो गया है, और आगे जाके ये जो स्लीपर सेल्स है ये इंडिया के जो गैस लाइन है या फिर जो पेट्रोल लाइन है, ऑन द अदर साइड जो रेलवे ट्रैक है उसको टारगेट करेगा। और यही चीज़ हम लोगों को पहले ही देखने को मिल गया था इंडिया में, और इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया और ये यूट्यूबर को अरेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा जो स्लीपर सेल के सब थे वो अरेस्ट हो गया, गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से अभी भी सर्च जो प्रोग्राम है ये चला रहा है, और गवर्नमेंट अपने तरफ से इसको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टेप है वो लिया है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो कैमरा इंस्टॉलेशन है वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए ये सारा जो इंसिडेंट है इनमें से ज़्यादातर इंसिडेंट जो है वो रात को किया जाता था, इसके वजह से जो नाइट सिक्योरिटी है उसमें भी इंक्रीज़ किया गया है। रेलवे के तरफ से जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है RPF, उन लोगों को सजाग रखने के लिए कहा गया है, वो लोग अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में मॉनिटरिंग करते हैं। हम लोग पहले ही देखे थे कि साबरमती एक्सप्रेस के ऑलरेडी 20 बोगी जो है वो डीरेल हो गया था, इसके अलावा भी इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस के 2 बोगी डीरेल हुआ था, मगर उसमें क्या है, उसमें किसी का कैजुअलिटी नहीं हुआ था जो कि एक अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड जो रेलवे ट्रेन के ड्राइवर है वो लोग अपने तरफ से अपना बेस्ट प्रोवाइड करके डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो एक्सीडेंट है उससे रेलवे को प्रोटेक्ट किया है। तो प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप लिया है, फॉर एग्जांपल ये जो स्लीपर सेल्स का बात कहा गया है इसके लिए कम्प्लीटली गवर्नमेंट अपने तरफ से मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर गवर्नमेंट को कभी भी कुछ शक होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट आगे जाकर स्टेप लेता है। ऑन द अदर साइड रेलवे अपने तरफ से अपना जो सिक्योरिटी लेवल है उसको भी इंक्रीज कर दिया है, जिसके वजह से कोई भी अगर रेलवे में ट्रैवल करने जाते हैं तो उन लोगों को ये डर ना लगे कि भाई रेलवे जो है अभी प्रोटेक्टेड नहीं, रेलवे कम्प्लीटली सिक्योर है।
हो सकता है कि कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ ये एक्टिविटी के वजह से ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इंडियन रेलवे जो है वो कम्प्लीटली सेफ है। और गवर्नमेंट अपने तरफ से इसमें और भी कैसे तरक्की किया जाए, जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले देखे वंदे भारत एक्सप्रेस इतना सारा लॉन्च हो गया, ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट का नेक्स्ट जो टारगेट है कि भाई हाई स्पीड रेलवे वो भी लॉन्च करेगा। तो ऐसा बहुत सारा स्टेप गवर्नमेंट अपने तरफ से ले रहा है, क्योंकि कंट्री का अगर ग्रोथ करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ऑब्वियसली मैंडेटरी है। और आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत ही वास्ट लेवल पे हो रहा है। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANSPAUL में जाके आप देख सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। ऑन द अदर साइड जब भी आप कोई चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है और जब भी वीडियो आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।